आज आप लोगों का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, कब मतलब कल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग हैं। आज के इस 30 मिनट में आपको 300 घंटे की लर्निंग मिलने वाली है, तो बहुत ध्यान से जो बात मैं बता रहा हूं उसका ध्यान रखना है। बात नंबर वन ये है कि आज मतलब आज रात से आपका जो शेड्यूल होने वाला है, आज रात में आपको बहुत ही इस बात का ध्यान रखना है कि आप रात में 12 बजे के पहले पहले, कितने बजे बेटा, 12 बजे के पहले पहले आपको स्लीपिंग के लिए चले जाना है। ध्यान से, अगर नींद पूरी नहीं हुई, कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन स्लीप भी खराब जाते हैं क्योंकि लेट नाइट स्टडी करते हैं फिर स्लीपिंग करते जाके एग्जाम सेंटर पे झपकी आती बीच बीच में। और आगे मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि 12 बजे तक स्लीपिंग करनी है और मॉर्निंग के 4 घंटे, 4 बजे से लेकर रात 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 3 घंटे आपको पूरा जो भी आपने याद किया है उसका रिवीजन लगाना है। रिवीजन कर लिया आपने, उसके बाद जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का है, तो प्लीज प्लीज बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग टाइम पे आपको बिल्कुल क्लास एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। पहला एग्जामिनेशन है, बिल्कुल लेट नहीं करना, फिर बता रहा हूं मैं आपसे। और अब हम आ गए हैं हमारे एग्जामिनेशन सेंटर तक। एक बात और माय डियर, कि जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर पर हम जाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना आएगा कि किसी भी विद्यार्थी से इस जीवन में एक ही मौका मिला आएगा, एक ही अटेम्प्ट में निकालना आएगा अच्छे पर्सन के संग। सुन लिए मेरी बात? तो एग्जामिनेशन सेंटर पर चले गए आप, तो आपको किसी भी फ्रेंड से, किसी भी दोस्त यारी से यह नहीं पूछना आएगा कितना पढ़ लिया, हो गई तैयारी, परीक्षा बोर्ड लगाई, प्रीवियस ईयर लगाया, ये सब अलूल जुलूल क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बी सीरियस, गंभीरता रखनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। क्या ये? बोर्ड एग्जामिनेशन है। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच गए, अब आपकी एंट्री होगी अंदर जाने के लिए जो भी आपका एग्जाम हॉल है, तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे, बात नंबर एक कि आपको सबसे पहले बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के माय डियर डीप डीप ब्रीथ लेनी है। कम से कम आपको 3 से 4 बार बेटा डीप ब्रीथ लेनी है। जो भी आपने पढ़ा हैगा, जो भी आपने साल भर हिंदी के एग्जामिनेशन में आज 4 तारीख तक पढ़ा हैगा, वो पूरा का पूरा आपको रिमाइंड करना हैगा। ग्रामर, जो टॉपिक्स आपको एट ए टाइम याद है उसको बार बार आपको रिवाइज करना है, रिमाइंड करना आएगा। बजाय इसके कि जैसे ही आप अपने एग्जाम हॉल में बेंच पर बैठ गए, आपको रोल नंबर बता दिया गया कि फलाना आपका ये रोल नंबर है, तो उस बात के बाद आपको बिल्कुल भी ना पीछे देखना ना आगे देखना है। और एक बात और मैं इंश्योर कर दूं, जैसे ही बेंच पर बैठोगे तो ये इंश्योर देख लेना कि किसी ने कुछ हरकत तो नहीं करी है। अगर आप थोड़ी देर से जा रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि जिस एग्जाम हॉल में आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पर पहले से कुछ बच्चे पहुंच गए हैं और वो बैठे हुए हैंगे और आप उसके बाद गए, तो देख लेना कि कोई चिट वगैरह तो नहीं पड़ी हुई है। अगर आपने इस बातों का ध्यान नहीं रखा, बातों का ध्यान नहीं रखा, बाद में कुछ पता चला कि कोई चिट वगैरह वहां पर रखी हुई है, तो आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा कि कहां से आया, कैसे आया, पूरा का पूरा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। और हर एक केंद्र में लाखों बच्चे, 15 से 20 लाख बच्चे पूरे जिले भोपाल में कल बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देने जा रहे हैं, तो हर एक केंद्र पर एक बोर्ड ऑफिस का सरकारी अधिकारी रहेगा, वो उसकी निगरानी में ही सारी चीजें होंगी। अगर भूल से भी आपके पास अगर छोटी मोटी चिट पड़ी हो तो एक बार इंश्योर कर लेना माय डियर, कभी कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने कुछ ध्यान से ऑब्जर्व ही नहीं करा और बाद में फिर आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर आपको बाहर खड़ा कर दिया गया और आपसे बोल दिया गया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अपियर इन एग्जामिनेशन, इस बात का भी ध्यान रखना आएगा। अब आपने रोल नंबर देख लिया, आपने सारी चीजें देख ली, अब आप क्वेश्चन पेपर का इंतजार कर रहे हो आने का। दूसरी बात, डीप ब्रीथ ले ली बेटा आपने 3 बार, इसके बाद रिमेंबर
मेडिकल की जगह पे मेडिसिन मिलेगी, पोटैटो की जगह पे पोटैटो मिलेगा, क्लॉथ की जगह पे कपड़ा मिलेगा। ज्ञान लेना हैगा तो रिमेंबर करना पड़ेगा सरस्वती माता को, इनकी छवि आपको स्मरण करनी है और मनी मन से प्रे करनी है कि मैं, मुझे विश्वास देना, जो भी मैंने इन महीनों में साल भर मैंने पढ़ाएगा उस पे मुझे दृढ़ता, मेरी शक्ति पे बल देना, माता रानी से प्रार्थना करनी है माय डियर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपके पास अब क्वेश्चन पेपर आ गया है तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से आपको रीड करना है। समटाइम्स व्हाट विल हैपन, ट्वेल्थ का पेपर सर्कुलेट हो जाता है, कई बार सेट का क्वेश्चन सर्कुलेट हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है अक्सर। तो क्वेश्चन पेपर रीड द केयरफुली, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। रीड कर लिया आपने, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट आ रहा है आपको करना कि हाँ जो मैंने पढ़ाएगा उससे अलग नहीं आया है, तो आपको क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करना हैगा सीक्वेंस में। आ रही समझ में? अगर सीक्वेंस में आपने कर लिया तो टीचर बोलेगा कि भाई ये बच्चे ने साल भर हिंदी पढ़ी है। हिंदी का टीचर, हिंदी का बोर्ड का एग्जामिनेशन टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो वही एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि उसको हिंदी ग्रामर आती है, लिटरेचर पता है उसे, हिंदी में जो भी व्याकरण होती है उसे पता है कि नहीं पता है। सीक्वेंस में करोगे तो टीचर को ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये जिले का टॉपर हैगा, ये इस जिले का टॉपर हैगा, उसी की कॉमिक कॉपी में चेक कर रहा हूं। तो सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है, मेंटेन सीक्वेंस। और फिफ्थ, राइट गुड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना ज्यादा इंप्रेशन डालोगे, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, अगर आपने आपकी लिखावट पर आपने साल भर काम नहीं किया तो फिर आपको ज्ञान होते हुए भी, आपको सब कुछ याद होते हुए भी, आप किसकी पढ़ाई आपकी कॉपी में दम नहीं रहेगा। दम होना चाहिए आपकी कॉपी में, जैसे खुले टीचर को पता चल जाए राइटिंग इतनी सुंदर है तो लिखा, जो लिखा होगा जो भी क्वेश्चंस का वो होगा वो कितना शानदार होगा। तो आपको लिखावट पर काम करना आएगा। सिक्स पॉइंट है, नॉट काटा पीटी, बाय चांस गलती हो गई तो पेंसिल से कट लगाना आएगा, वहां पर गोदी नहीं करने लग जाना है माय डियर, एक कट दैट्स इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने बहुत ध्यान से देख ली। और काटा पीटी के बाद ये हमारा प्लान ए है। क्या है बेटा ये? प्लान ए। अब हम देखेंगे प्लान बी। प्लान बी क्या है, यहां लिखता हूं मैं। प्लान ए है हमारा, ये इज व्हाट प्लान ए। अब प्लान बी क्या है? कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है, भूल गया, ज्यादा नंबर का था, भूल गया लिटरेचर का, आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ्य भूल गया, तो उस मोमेंट में उसके लिए गैप छोड़ो। सीक्वेंस नहीं अनफॉलो करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। अब आपको किसी ऐसे कैरेक्टर को वहां पे, क्योंकि आप भूल चुके हो तो आपका माइंड कैसे बिहेव करेगा, वो थोड़ा सा सडनली आपका माइंड वहां पर थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा उसके अंदर, वो थोड़ा सोचेगा कि क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था। फिर आप उस मोमेंट में किसी एक ऐसे कैरेक्टर को याद करो जिस पर आपको सबसे ज्यादा हंसी आती हो। वो कोई भी हो सकता है, वो भूपेंद्र जोगी हो सकता है, वो राजू श्रीवास्तव हो सकता है, वो राहुल गांधी हो सकता है, किसी भी एक कैरेक्टर को याद कर लो। अगर तुमने वो याद कर लिया, क्योंकि तुम्हें कितने घंटे बैठना है? 3 घंटे। अगर थोड़ा सा भी ब्रेन में नेगेटिव थिंकिंग स्टैब्लिश हुई तो जो आने वाले क्वेश्चन है तो वो भी आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। क्योंकि जब आप जानते हो कि अगर नेगेटिव थिंकिंग अगर आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, जो भी आपने सोचा हैगा आने वाले क्वेश्चन है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो यहां पे कोई कॉमेडी कैरेक्टर, कोई भी जोक वगैरह, जोक कॉमेडी, ठीक है, कॉमेडी कैरेक्टर आप याद कर लो, इससे आपका एंजॉय भी हो जाएगा और आपको थोड़ी हंसी भी आ जाएगी, आप नेगेटिव नहीं होगे, क्योंकि आपको आगे 3 घंटे कहां पे अपेयर होना है, एग्जाम में अपेयर होना है।
इतना होने के बाद थर्ड आपको इस बात का और ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को फॉरगेट कर गए तो आप प्रयास करो कि माय डियर उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ा आपने याद नहीं आया, फिर दूसरी बार पढ़ा याद नहीं आया, तो आप ऐसा कर सकते हो कि क्वेश्चन में भी मीनिंग होता है, हिंदी का पेपर है क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। आपसे पूछा गया कि भाई हरिशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं लिखी है, आपको याद नहीं आ रही है, तो उसके बेस पर आप उनकी कोई सी भी रचनाएं थोड़ा बहुत सोचो कि जोर डालोगे माय डियर कुछ तो याद आएगा। यह बात याद रखना माय डियर कि आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया आएगा। पहले के लोग गाने लिखकर आते थे क्योंकि दिमाग में बचपन से एक बार डाल दी गई थी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के नंबर होते हैं, तो आपको लिखना है। और मैं एक बात दावे से कह सकता हूं माय डियर, गारंटी है मेरी, एकदम ठोक कर बोल रहा हूं मैं, तार ठोक के, बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर कल तुम देख लेना, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा आसान आएगा, आप बोलोगे सर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, सर ये तो मैं हवा हवा में करके आ जाऊंगा, मेरी गारंटी है कि कल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, समझ में आ रहा है। तो आपके पास अभी टाइम है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब जिसने अभी ठीक है आवारा गर्दी करी है, इसके पीछे घूम रहा है, उसके पीछे घूम रहा है, उसके लिए एक सजेशन है, 2023 का प्रीवियस ईयर पीवाई की क्वेश्चन पेपर लगा लो, अभी लगा लो आप, 50% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, गारंटी है मेरी इस बात की। और चार सेट अगर परीक्षा बोध नहीं ली है तो ले लो, अगर है परीक्षा बोध चार सेट लगा लो वहां के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, गारंटी ले रहा हूं इस बात की आपके 60 के ऊपर नंबर आ जाएंगे। तो प्लान ए में ये सारी बातें हैं कि डीप ब्रीथ, रिमेंबर माताजी, रीड केयरफुली मेंशन सीक्वेंस, और एक बात और माय डियर, फॉर्मेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नॉट इग्नोर फॉर्मेट ऑफ ऐसे ऐसे में क्या बेटा, रूप रेखा व्याख्या संदर्भ प्रसंग लिखो, व्याख्या में भी फॉर्मेट को नहीं छोड़ना है। थर्ड लेटर में भी नहीं छोड़ना है। मुहावरा बोला गया, मुहावरे का अर्थ लिखो फिर मुहावरे के ऊपर वाक्य बनाओ, समझ में आ गया। यहां पे मैं मुहावरा भी लिखूंगा, मुहावरा हर एक चीज को एक्सपेंड करके लिखना है, फैला फैला के लिखना है। यह बात मुझे शुरुआत में बतानी चाहिए थी, मैं आपसे भी बता रहा हूं। देखो कल बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के पहले जैसे ही आप सेंटर पर एग्जाम हॉल में एंटर होगे तो आप अपनी वॉच को 15 मिनट आगे, जब आप एग्जाम सेंटर पे हॉल में आप बैठोगे तो बेटा 15 मिनट आगे करके रखना। इससे फायदा क्या होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले हो जाएगा, समझ में आ गया, ये आपका फायदा होने वाला है। अगर आपने 15 मिनट पहले अपनी घड़ी को सेट कर लिया तो उसका एडवांटेज आपको बहुत मिलने वाला है, क्योंकि आप अपनी गलतियों को, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, लगता है कि बहुत आसान है, मातृभाषा है यार, सर हो जाता है यार, क्या बात कर दी आपने, नहीं होता है, बार बार मिस्टेक्स को ओवरकम करना है तो आपको रिचेक करना पड़ेगा और हाईलाइट करना है माय डियर। मैं यहां पे 8 पॉइंट डालूंगा, हाईलाइट जो भी आप वर्ड लिख रहे हो, जैसे आप ऐसे लिख रहे हो प्रदूषण पे, प्रदूषण में आपने लिखा कि प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, तो उनको हाईलाइट करो वर्ड्स को, समझ में आ रहा है। आप अगर किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, लेट सपोज कंप्यूटर पे लिख रहे हो आप, तो कंप्यूटर में जो भी वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करो, टीचर उन्हीं वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखता है माय डियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, प्लान ए में ये सारी बातें हैं, प्लान बी में ये सारी बातें हैं, तो बहुत ध्यान से इन सारी बातों का ध्यान रखना है माय डियर। कर लिया, गेम चेंज हो जाएगा आपका, ऑल द बेस्ट, क्या बात है। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जामिनेशन के लिए। हाँ जी बेटा, इसको नोट करो, आंसर शीट में क्या इंपॉर्टेंट बात है बेटा ध्यान रखने वाली, ये कॉलम दिया जाएगा बेटा आपको आंसर शीट का, आंसर शीट में फर्स्ट जो आपका फ्रंट पेज होगा उस पर आपको रोल नंबर लिखना आएगा, और रोल नंबर लिखने के लिए यहां पर आपको बेटा डिजिट्स के फॉर्म में नहीं लिखना आएगा, यहां पर आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। जैसे यहां पर एक बच्चे का रोल नंबर रहेगा 1463 46179, ये रोल नंबर है, तो इसे हम बेटा कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 4 6 3
फोर सिक्स वन सेवन नाइन। देखो बोर्ड पे तो गैप ज्यादा आएगा लेकिन आंसर शीट में बहुत कम होता है, तो आपको डायगनल फॉर्म में लिखना बेटा। ऐसे में लिखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, डायगनल फॉर्म में लिखना है। यस और नो? और बेटा सब्जेक्ट कोड भी ये बहुत ध्यान से लिखना, इसी से आपकी जो भी मार्कशीट है कि उसको वो माय डियर क्या होता है जो फ्रंट पेज होता है ना, तो फ्रंट पेज का स्कैन होता है, तो ये कोड आपको बहुत ध्यान से रखना बेटा। ये कोड जो है ना 401 सभी सब्जेक्ट्स का अलग अलग कोड होता है, तो कोड भी बहुत ध्यान से लिखना है आपको। डेट क्या रहेगी, डेट तो अच्छे से पता है कि कल 5 तारीख है ना, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और अब आप पहला पन्ना खोलने जा रहे हो बेटा, तो वहां पर आप लाइनें खींच लेना अच्छे से ध्यान से, यस और नो लाइनें। और देखो जितने पेजेस का आप यूज करोगे उतने पेजेस में आप लिखोगे, और बाकी के जो पेजेस आपके रिमेनिंग छोड़ गए तो वहां पर आप क्या लगा दोगे बेटा, क्रॉस क्रॉस लगा दोगे, यस और नो। और कोई भी आंसर आपको फिर से मैं बोलूंगा, अगर याद नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको बोलना ओम इग्नोराय नमः। क्या बोलोगे? ओम इग्नोराय नमः। फिर क्या बोलोगे थोड़ी देर बाद, जैसे ही बाद में धीरे धीरे वो याद आने की कोशिश करेगा तो बोलेगा आई रिमेम्बर। क्या बोलोगे? आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। लेकिन ये काम आपको करना है उसके बाद, जब कोई आंसर भूल रहे तो कोई मीम याद कर लो, किसी कोई भी कॉमेडी कैरेक्टर, तो उससे फिर आपका माइंड क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा माय डियर। यस और नो? ये बहुत अच्छा साइंटिफिकली मेथड है ये, तो बहुत अच्छे से आप कर आने वाले हो। अब हम आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी बात और, उसके बाद फिर हम सेशन को कहां पर खत्म करेंगे। क्लोज योर आईज। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छे होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लग जाता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी होने लग जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस पेपर का स्वागत करता हूं। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस पेपर का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली पेपर का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा और कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो भी कुछ गलत हुआ, उसके लिए खुद को और दूसरों को पूरी तरह से मैं माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर है। आज मुझे जो भी कुछ करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ में जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, मैं उन मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को और अंदर से शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज का जो भी चुनौतियां हैं, सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
मेरा मन आनंद से भरा है और मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ और हंसता खेलता रहता हूँ। मेरे लिए पेपर के लिए एक खेल के जैसा है, मेरे लिए पेपर एक खेल के जैसा है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ एक मकसद है कि पेपर के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो भी कुछ मेरे पास है और जो भी कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे साथ, मेरे अंदर हैं। मेरे अंदर ऊर्जा का भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी कुछ मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं। आप सभी को दिल की गहराइयों से त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना पूरा सत प्रतिशत लगाइए और विजयी हो जाइए, विजयी भव। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ जस्ट लाइक यू स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो और बहुत ही अच्छे बच्चे हो और उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और इसका फायदा जरूर उठाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग। और ऐसा एटीट्यूड रखना है कि परीक्षा की तुम परीक्षा ले लो, परीक्षा तुम्हारा कुछ भी बाल बांका न बिगाड़ सके। तुम्हें परीक्षा की परीक्षा लेनी है, इस एटीट्यूड में जाओ। कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। बहुत बहुत शुभकामनाएं।